हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और आज के वीडियो में मैं मेरे स्केट शू और स्केट बोर्ड दोनों की स्पीड को नापने वाला हूँ और फिर बाद में हम कंपेयर करेंगे कि स्केट बोर्ड फास्ट है या फिर स्केट शू। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों को कैसे कंपेयर कर सकता हूँ स्पीड में, तो मैं दोनों को डाउन हिल पर चलाने वाला हूँ, उतार में चलाने वाला हूँ। तो वहाँ पर मैं सिर्फ खड़ा रहूँगा बिना धक्का लिए और फिर जो स्पीड आएगी उससे हम कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको पहले मेरा जो मतलब उतार है जहाँ पर मैं स्केटिंग करूँगा आऊँगा वो आपको बता देता हूँ और फिर हम करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, ये है हमारा उतार, आप देख सकते हैं। तो मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा स्केटिंग और वहाँ पर ख़त्म करूँगा। तो पहले तो मैं स्केट शू पहन के जाऊँगा, स्केट शू अभी बैग में है, तब तक के लिए स्केट बोर्ड यहीं पर बाइक में खोसा हुआ है। तो चलिए मैं जल्दी से स्केट शू पहन लेता हूँ फिर जाता हूँ उधर। करते हैं स्टार्ट हमारे ट्रिप को। ये स्टार्ट हो गया है, स्पीड दिख रही क्या? हाँ, मैच कर लेना। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइज़, आपने मैक्सिमम स्पीड देख ली होगी, हम लास्ट में इसका कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्केटबोर्ड की ओर। तो गाइज, स्केट शू पर मेरी मैक्सिमम स्पीड आ रही है 26 और अब हम ट्राई करने वाले हैं स्केटबोर्ड और इसकी भी मैक्सिमम स्पीड, देखते हैं क्या आ रही है। तो चलिए गाइज करते हैं इसकी भी स्पीड टेस्ट। तो गाइज जल्दी से हम सेकेंड ट्रिप को भी स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गई है स्टार्ट और अब हम चलते हैं हमारा स्केटबोर्ड लेके। तो गाइस, आपने मैक्सिमम स्पीड देख ली होगी। तो चलिए अभी मैं इन सबको अवेयर लेता हूँ सभी चीज़ों को और फिर हम देखते हैं लास्ट में कितनी स्पीड आई है। तो गाइस, आपने दोनों की स्पीड देख ही ली होगी, जो रोलर स्केट है उसकी स्पीड आ रही है 26 और जो स्केट बोर्ड है उसकी स्पीड आ रही है 23। तो यहाँ पर आपको क्लियर विनर दिख रहा होगा कि रोलर स्केट ही है, लेकिन जब मैंने पहली बार रोलर स्केट पर ट्राई किया था, स्पीड टेस्ट करी थी, तब उसकी स्पीड आई थी 23 ही आई थी। तो पहली बार में शायद कुछ मिस्टेक हो गई होगी टेस्ट करते वक्त या फिर चलाते वक्त मिस्टेक हो गई होगी, तो वो वीडियो आपको देखना हो तो मैं लास्ट में डाल दूंगा, वो आप देख सकते हैं। तो अभी के टाइम में तो जो क्लियर विनर है वो रोलर स्केट ही है और उसको होना भी चाहिए, क्योंकि उसका जो व्हील साइज है वो बड़ा है और स्केटबोर्ड का व्हील साइज है वो थोड़ा छोटा है। तो इस कारण शायद स्केटबोर्ड थोड़ा मात खा जाता है 2-3 किलोमीटर की स्पीड से, और थोड़ा कम क्वालिटी का भी है ना, तो सस्ता वाला है, तो उस कारण भी थोड़ा मात खा जाता है। गाइस, आज का कंपैरिजन आपको कैसा लगा बताना कमेंट में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के एक्सपेरिमेंट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए। बाय गाइस। ओके, हो गया है, इसके मैच कर लेंगे अपन, दिख जा। चलो जाओ नीरा।